किसान सम्मान निधि के तहत जारी किस्त को लेकर किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल किसानों को आर्थिक संबल मिला है, बल्कि कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीकर में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को किस तरह केंद्र सरकार किसान कल्याण के लिए काम कर रही है, क्या उनका कहना है? ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। ऐसी योजनाएं आज धरातल के ऊपर आ रही है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आज ऋण माफिया, ब्याज माफिया, जो गांव के अंदर किसान से दो दो हजार के दो दो लाख वसूल करता था, उन्हें 6,000 रुपए दे के किसानों के ऊपर जो ये आप धन मतलब उपकार कर रहे हैं, हम इसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि पहला पीएम किसान सम्मान निधि की 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी लॉन्च किया था। मैं आशा करता हूँ ऐसी स्कीमें, ऐसी किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री आगे भी भविष्य में ऐसे योजनाएं करते रहेंगे और शिखर आने के लिए हमें उनको कोटि कोटि धन्यवाद। किसानों को जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 9 साल में किसानों के लिए जो आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ा जो किसानों को अभी प्राकृतिक खेती की तरफ जो वो मोड़ रहे हैं ताकि जमीन अपने आप में सुरक्षित और संरक्षित रह सके, ये उनका बहुत बड़ा कार्य है।